तो पूछा सेफ्टीयर, आज हम आए हैं कैम्ब्रिज घूमने और आज का वेदर थोड़ा सा डल है, ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, बट इट्स फाइन। मैं इतने सालों के बाद, मतलब फर्स्ट टाइम आई हूँ कैम्ब्रिज घूमने, ऑक्सफर्ड कैम्ब्रिज मेरा रह गया था, तो सोचा चलो आज घूमते हैं। हम सारे लोग आए हैं नियर अबाउट, हम यहाँ पे कार से ही आए थे, 1.5 आवर का जर्नी था एमके से कैम्ब्रिज डायरेक्टली, तो अभी आए हैं और हम अभी जा रहे यूनिवर्सिटी वगैरह देखने, पंटिंग करने, उसके बाद आगे का सारा मैं आपको बताती हूँ, तो स्टे ट्यून। ओके, आप यहाँ पे ट्रेन से भी आ सकते हो, बट मिल्टन किन से हमें लंदन आना पड़ता, उसके बाद हमें अलग ट्रेन पकड़ के यहाँ आना पड़ता, तो हमने कार, अभी कार है तो कार से हम आए। अगर आपके पास अगर व्हीकल है तो आप यहाँ पे ईजीली आ सकते हो, और बट यहाँ पे पार्किंग का थोड़ा इश्यू होता है। अभी ये स्टारबक्स में कॉफ़ी लेने गए कि अक्षय आ गया, अभी धीरे धीरे करके एक 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 करके बाहर आएंगे। अभी इन लोगों ने स्टारबक्स से कॉफ़ी ली और ये मॉसिंग अलग ही स्वैग में घूम रहे हैं। Cheers. Starbucks में अमीरों वाली कॉफी। यहाँ पे हमने हमारी कार पार्क कर दी, बिकॉज यहाँ पे पार्किंग मिलना काफी डिफिकल्ट है, तो नियर बाय जो सिटी सेंटर है वहाँ से नियर बाय कार पार्क है, वहाँ पे आप आपकी कार पार्क कर सकते हो, उनके जो चार्जेस है उस हिसाब से। एंड हमने डिसाइड किया कि हम बाय वॉक ही एक पूरा एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज दिस इज़ द बेटर वे। हाँ, मुझे यहाँ पे थोड़ा चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इनके रेस्टोरेंट्स भी काफ़ी है यहाँ पे। सी वीडियो बना देना, इनके ही सारे रेस्टोरेंट्स हैं पूरी लाइन में, और काफी सारे स्टूडेंट्स भी देखे थे। ये चर्च है, अगर अंदर जाने को मिलता है तो मैं चाहती हूँ। अभी हम आए हैं पंटिंग करने, और पंटिंग यहाँ पे आप कर सकते हो, एक बोट आप हायर कर सकते हो आराम से, ये चलाते हैं, देन आप यहाँ से मस्त ऐसे कैनाल से या फिर रिवर है इनकी, उसमें से देख सकते हो। सी दिस इज अ ब्रिज, ऐसे वाले रिवर की टूर करवाने के लिए खड़े रहते हैं, आप इनसे भी चेक कर सकते हो। तो हमने वो सक्सेसफुली उससे बार्गेनिंग किया, और 10 पीपल के लिए हमने उसको बोला 200 हम पे करते हैं। सो आई कैन टेल या अपोजिट वन, ओके थैंक यू एंजॉय। इनका 12 लोगों का एक ट्रिप होता है जो बोट हायर कर सकते हैं, तो उसका चार्जेस था 295, एंड इसने हमें कंसेशन दिया 6 लोगों के लिए, 250 का पैक हमें 6 लोगों के लिए दिया था, मतलब उसमें 10 लोग जा सकते हैं, तो स्टिल हमने थोड़ा बार्गेनिंग स्किल दिखा के उससे और कम करवाया और 200 में इसका फिक्स करवाया, तो 10 लोगों के लिए 200 इज़ इनफ। एंड हमारी एक पर्सनल बोट हमको उन्होंने दी, और उसको एक ड्राइवर, मतलब ये जो पंटिंग हमारी वाली है, मैं तो इधर बाबा सामने, हाँ हमारा बोट आगे जा रहा है, तुम लोगों का ले रही हो। करने दे दो अमन, इधर देखो सब, वेंकी फोटो भी ले लेता हूँ, वीडियो नाइस।
दूर बैठे। कौन सी टेम्पल में प्रे करने जाते हो? हाँ भाई रुचि कुछ यार inside the boat for me please. Sure. Don't okay. Bump anything in and lose my fingers. Fire exits to your left and right. Fire exit? Fire exit. Baba Where are you guys traveling from today? Bujan Kins. Yep. तो पंटिंग का कंसेप्ट ऐसा होता है कि ये जो है ये कैम्ब्रिज में जो रिवर है कैम्ब इसका पूरा जो हमें पंटिंग करवा के लाता है 45 मिनट्स। आप इंडिविजुअल ड्राइवर ले सकते हो, आप किसी ग्रुप के साथ भी ऐड हो सकते हो, बट ये बोट पे नियर अबाउट 12 लोग एक साथ बैठ सकते हैं एंड ये 45 मिनट आपको पूरे रिवर पे गाइड करता है, कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन देता है एंड नियर बाय जो ब्रिजेस जाते हैं उनका कंस्ट्रक्शन कैसा हुआ है एंड ये बिल्डिंग कब बनी है। नियर बाय जो सारे हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग अलग कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटी में, तो उसकी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है पूरी जर्नी में। इसमें 45 मिनट्स का पूरा टाइम है। ये सामने जो एरिया है वो किंग्स कॉलेज चैपल का एरिया है और ये किंग्स कॉलेज है। यहाँ पे एक बोट पे सॉफ्ट ड्रिंक हार्ड ड्रिंक बेचने वाला होता है तो उससे आप बाय कर सकते हो। इसका प्राइस जो है थोड़ा हाई होता है बाहर के रेट से, बट आपकी जर्नी में अगर आप कुछ लाना भूल गए और आपको पीना है तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हो। बेटर कि आप आपके साथ कैरी करो तो थोड़े पैसे भी बच जाते हैं, बट एनी वे। बट एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये लोगों से यहाँ पे बाय करने के लिए आपकी बोट रुकती नहीं है, वो अपने आपकी बोट के पास आता है, खुद का बोट चला चला के फिर आप बाय कर सकते हो। और चलो आगे बढ़ते हैं। कि सामने जो आप देख रहे हैं ये मैथमेटिकल ब्रिज है। ये जो ब्रिज है वो 1704 में बनाया गया था और ये एक सिंगल ब्रिज है रिवर कैम के ऊपर जो वुडन का ब्रिज है, बाकी सारे अलग कंस्ट्रक्टेड है। ये काफ़ी पुराना ब्रिज है और आगे हम गए तो हमें काफ़ी सारे अलग अलग ब्रिज दिखे एंड आज वेदर भी काफ़ी अच्छा था तो पंटिंग करने में मज़ा आया। Education is done in the faculties. Okay. Everything else, where you eat, sleep, live, all done in colleges. Okay. Even when you play sports, that's done between colleges. Okay. Yep. Yep. Are you a student too? No, not right now. So okay. I'm 19. Okay. I've just done a gap year. Mm-hmm. So I finished my A-levels. Okay. Took a year out. I'm going to study in September. Nice. What are you going to study? यहाँ पे बहुत सारे लोग पंटिंग करने के लिए आते हैं और समर के टाइम में तो स्पेशली काफ़ी भीड़ होती है, आप देख ही सकते हो। ऊपर ब्रिज पे भी लोग हैं, नीचे बोट पे भी लोग हैं और आजू बाजू सारे लोग हैं, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम होता है यहाँ पे आने के लिए। और आइएगा तो पंटिंग ज़रूर करिएगा। सिटी एक्सप्लोर करते टाइम मुझे एक पॉकेट वॉच एंड पेटीकोट करके एक शॉप दिखा, काफ़ी प्रीटी शॉप था तो मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैं अंदर गई। काफ़ी ब्यूटीफुल ऐसे पेटीकोट्स वहाँ पे थे, गाउन थे, बूट थे, सैंडल थे, बैग थे, गॉगल्स थे और आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, बट इनकी प्राइस जो थी वो 75 से अबो थी, 75 pounds से अबो, तो इसलिए मैं अनफॉर्चुनेटली ले नहीं पाई, बट काफ़ी अच्छा है, आप यहाँ पर विजिट कर सकते हो। आप सबको तो न्यूटन पता ही होगा जिसके ऊपर एप्पल गिरा था और उसने ग्रेविटी का फिर कंसेप्ट लाया था दुनिया के सामने। ये एप्पल ट्री उसका जीन्स है जो फर्स्ट एप्पल न्यूटन के ऊपर गिरा था, तो ये इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, आप इसको फ्री विजिट कर सकते हो और इसके सामने आप हाथ में एप्पल पकड़ के फ़ोटो खींच सकते हो, बट उसके लिए आपको एप्पल लाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे हमें फ़ोटो खींचना था तो हम लोगों से एप्पल मांग रहे थे एंड एक छोटी बच्ची थी तो उससे हमने एप्पल लिया और फ़ोटो खींचे यहाँ पे। फिर अंकित बेचने लग गया एप्पल। Ten pound, last apple. Same apple है? That's the apple which fell, man. Oh, Newton को इतना बुरा लगा?
न्यूटन जी ये एप्पल खा करके ये एप्पल देख करके बोले कि भैया ग्रेविटी होता है, देखो दैट्स द एप्पल एंड दैट्स द ट्री ट्री ओ रेडीमेड मार्केट से लाया है, उधर से पक के निकला। अबे तोड़ा है यार ऐसे, अभी से ओ पुलिस पीछे भाग रहा था भाई, बच गया है, जान बचाया है। सारी भीड़ है, पता नहीं कहाँ से आई है, क्या कर रहे हैं स्टूडेंट। सामने जो आप देख रहे हैं वो टायलर लाइब्रेरी है कॉर्पस सिट्रिस कॉलेज की, एंड यहाँ पे सामने पूरा लोगों का भीड़ है, स्टूडेंट्स है, फ़ोटो खींच रहे हैं मस्त, और काफ़ी बड़ा एरिया है वो जो फेमस क्लॉक है वहाँ पे, ये वाला कॉर्पस बोल दिया। ये टेंट क्यों लगाया इन्होंने, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्या किसी का? ये फेमस ये सामने आपको क्लॉक दिख रहा है, ये कॉर्पस क्लॉक है, और इस को दूसरा, इसका दूसरा नाम जो है वो ग्रास हूपर क्लॉक है। इसको जो है ये कीड़ा चला रहा है, और इसमें आप जो ब्लू लाइन दिख रहे हैं वो टाइमिंग है, और वो नीचे की ब्लू लाइन वो जो है वो सेकेंड है। रिवर के साइड पे बहुत सारी ऐसी लोकेशन है जहाँ पे आप अपना पिकनिक कर सकते हो, आपका फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हो, टाइम स्पेंड कर सकते हो। और हमने फिर सोचा कि थोड़ा हम रिवर साइड वॉक करते करते ही हमारी गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पे पार्क किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सीन यहाँ पे देखने को मिलता है, और काफ़ी सुंदर और शांत जगह। और इवनिंग में हमने डिनर लिटिल पेट्रा करके एक रेस्टोरेंट है उसमें लेबनीज फूड ट्राई किया। सो इसी तरह हमने आज का हमारा कैम्ब्रिज का ट्रिप जो है वो कंप्लीट किया, बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। वैसे मुझे ये कैम्ब्रिज का जो सिटी है वो ओके ओके लगा, इतना कुछ ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा यूके की अदर सिटी की तरह, बट अच्छा है, आप आ सकते हो, वन टाइम विज़िट बहुत अच्छा है, पंटिंग ज़रूर करिएगा। और होपफुली मुझे मैंने आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, अगर स्टिल आपका कोई कन्फ्यूजन है आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फॉलो फॉर मोर, थैंक यू। बाय बाय बाय।